सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें खाटू वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब वनवास वन वन भटक रहे थे वे होकर तब बहुत उदास। वही हिडिंबा और भीम का ब्याह हुआ संपन्न, उन दोनों से वीर घटोत्कच हुआ तभी उत्पन्न। वीर घटोत्कच को सुतेक हुआ अतिशय बलवान, महाप्रतापी पराक्रमी था ज्ञान और गुण खा। घटोत्कच के बालक का हुआ बरबरीक सुभना, बरबरीक को ही कलयुग में कहते खाटू श्याम। अब आगे की गाथा तुमको अस्पष्ट बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बालक बरबरीक ने थी भारी प्रणकी, जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, तीन बाण से ही मैं सारा खेल दिखाऊंगा। सुन कर के प्रण बालक बरबरीक का तिभारी, मन में अपने चिंता करने लगे हैं गिरधारी। सोचा प्रभु ने अनर्थ हो जाएगा, बरबरीक से कोई योद्धा जीत न पाएगा। सोच के मोहन अपनी माया अजब रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाणों को धारण किए जा रहे थे, सत्य धर्म को अपने मन में लिए जा रहे थे। ब्राह्मण वेश बना करके तब आए बनवारी, जिन राहों से बरबरीक जा रहे थे व्रतधारी। बरबरीक ने हाथ जोड़ कर उनको किया प्रणाम, सदा कीर्ति तुम्हारी बोले है सुखधाम। प्रभु जी बोले वीर इस समय कहाँ जा रहे हो, क्या है नाम तुम्हारा और कहाँ से आ रहे हो। बरबरीक उनको अपनी सब बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
बाबूजी बोले तीन बार मैं क्या कर पाओगे, किस प्रकार से हारे को तुम युद्ध जिताओगे। बरबरीक बोले हे स्वामी मैं समझाता हूँ, इन बाणों की शक्ति को मैं अभी दिखाता हूँ। एक बाण को लेकर बरबरीक ने चला दिया, थे सबको भेद दिया। पांव के नीचे मोहन ने एक पत्ता छुपा लिया, लेकिन शक्ति बाण ने उसको भी है ढूंढ लिया। अद्भुत शक्ति देख कृष्ण भी तब घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिल मुँह मांगा वरदान। फिर मोहन ने बरबरीक से कदान, ब्राह्मण को किस तरह निराश कर बालक बलवान। ब्राह्मण के चरणों में काट रख दिया उसने शीश, विप्रवेश प्रभु उसको देने लगे अनंत आशीष। हो के प्रसन्न आए निज भेष में श्री विष्णु भगवान, बोले बरबरीक जो इच्छा हो मांगो वरदान। मुझको भक्ति अपनी दो, मुझ सेवक जन को सर्वेश्वर पद पंकज में लो। बरबरीक को मोहन अपनी भक्ति दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, बरबरीक बोले मैं युद्ध को देखना चाह रहा, होकर अति प्रसन्न बनवारी ने है तथास्तु कहा। एक पहाड़ी पर ला करके रख दिया उनका शीश, फिर बोले है बालक बरबरीक से श्री जगदीश। आज मैं तुमको देता हूँ अपना प्यारा, करेंगे तुमको कह करके खाटू श्याम। जो भी खाटू श्याम नाम को प्रेम से गाएगा, वो अपने जीवन में जीत हमेशा पाएगा। खाटू वाले भक्तों के बिगड़े काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिल मुँह मांगा वरदान। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम, भक्त यहाँ दर्शन करने को आते रोज तमाम। जो भी सच्चे भाव से इनका ध्यान लगाता है, वो अपने जीवन में सुख संपत्ति को पाता है। तीन बाणधारी है खाटू वाले बाबा श्याम, नर नारी पूजा इनकी करते हैं सुबह शाम। डीएस पाल
काल सानंद सदा ही गाता श्याम भजन, भाव भक्ति से करता है नित ही पूजा अर्चन। खाटू वाले कलयुग के अवतार कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस कारण से खाटू बाबा श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं।